हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लास के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डेट कमांड और कैलेंडर कमांड का यूज़ करना सिखाया था, आज की वीडियो में हम दूसरे नए कमांड सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पीडब्ल्यूडी करके कमांड है। तो पीडब्ल्यूडी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, आप पीडब्ल्यूडी का मतलब पासवर्ड नहीं समझ सकते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पीडब्ल्यूडी, क्योंकि इंस्टेंस में वो पासवर्ड बोल देते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एंटर करूँगा तो देखिए मुझे पास जो भी मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो मुझे डिस्प्ले करेगी। ओके, अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको दूसरी डायरेक्टरी के अंदर रिडायरेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दूसरी डायरेक्टरी डिस्प्ले करनी है। तो देखिए, हमारे पास TYBCA करके एक फोल्डर है, तो हम लोग CD करके उस डायरेक्टरी के अंदर पहले रिडायरेक्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे टर्मिनल पे दिख भी रहा होगा कि कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ये CD कमांड में आपको आने वाली वीडियो में डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा। देखिए, जैसे मैं PWD प्रेस कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मुझे मेरी वर्किंग डायरेक्टरी आ गई। वापस हमारी होम डायरेक्टरी पे चला जाए, वापस हम हमारी होम डायरेक्टरी पर रिडायरेक्ट करते हैं CD --— करके, मतलब एक लेवल बैक आ गए हम लोग। सो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के तौर पर वर्क कर रहा है। देन उसके बाद हमारे पास BC कमांड है। सो इट्स अ यूज फॉर अ टू पर्पज़। फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंडिकेट द कैलकुलेटर, एंड सेकेंड वन इज टू कन्वर्ट द नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, इन विच लाइक यू ऑलरेडी यू नो दैट अबाउट नंबर सिस्टम इन विच बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो टू इन्वोक द कैलकुलेटर द BC कमांड, एक्सपेक्ट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। जैसे मैं BC प्रोवाइड करूँ, देखिए मेरे को यहाँ पे एक उसने कुछ एक सब टर्मिनल ओपन करके दिया है, जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइक 12 + 5 = 17। देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में परफॉर्म करके दे रहा है। मैं लिख सकता हूँ लाइक 10 - 3। देखिए, ओके, मैथमेटिकल में हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा, वो आपको देगा है। ओके, अब यहाँ से आपको एग्जिट होना है, तो आपको जिस तरह हम लोग कैट कमांड में Ctrl+D करके एग्जिट हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पे से एग्जिट होना होगा। जो दूसरा हमारे पास यूज था BC कमांड का, जो एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके दे रहा है। ओके, सो इन विच इट रिक्वायर्स अ टू पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फर्स्ट सेट आई बेस एंड सेकेंड इज ओ बेस। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आई बेस ओ बेस आर 1 और 0। देखिए, मैं यहाँ पे सेट करता हूँ आई बेस इज इक्वल टू 2। ओके, मैं यहाँ पे जैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम प्रोवाइड करूँगा, सो बाइनरी में 111 का मीनिंग क्या है, बाइनरी में 111 जो है, ओके, उसका डेसिमल में मीनिंग क्या है, वो आपको रिटर्न करेगा 7। ओके, अगर यहाँ पे आप 110 रिटर्न कर रहे हैं, तो देखिए उसको आपको 6 रिटर्न कर रहा है, 100 आपको 4 रिटर्न करेगा। मतलब ये हमारे पास सारे बाइनरी नंबर्स है, उसने उसमें डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया। हमने यहाँ पे आई बेस सेट कर दिया कि भाई जो भी मैं नंबर लिखूंगा वो बाइनरी में होगा, जो भी मुझे आउटपुट चाहिए वो आई बेस, इन द सेंस के इनपुट इनपुट का बेस क्या रहेगा 2। ओके, ओ बेस मतलब आउटपुट का बेस क्या रहेगा। सो यू कैन से द मोड ऑफ इनपुट हैज़ बीन द चेंज इन द बाइनरी, सो इट कन्वर्ट बाइनरी 111 टू डेसिमल नंबर 7। ओके, आई कैन ऑल्सो यूज द अपोजिट आउटपुट लाइक ओ बेस, आउटपुट बेस मैंने सेट कर दिया अब 2। ओके, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ लाइक 6, सो मुझे आउटपुट में रिटर्न करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम 1000। देखिए, ओके, सो इस तरह हमारे पास BC कमांड के अंदर हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करके या तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। ओके, यहाँ पे आप ऑक्टल, हेक्सा, वो सारे नंबर भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको बेस में चाहिए 8 आई बेस। ओके, या फिर हेक्सा के लिए चाहिए आपको डेसिमल, डेसिमल के एग्जा के लिए आपको 16 चाहिए बेस में। ओके, सो अगर मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।